पटना रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा ट्रेन 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली ट्रेन पटना जंक्शन से सोमवार सुबह छः बजकर पचपन मिनट पर रवाना हुई और निर्धारित समय से 27 मिनट पहले दोपहर बारह बजकर तैंतीस मिनट पर रांची जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंची। सफ़र पाँच घंटे अड़तीस मिनट में तय हुआ ट्रेन को दोपहर एक बजे था दोपहर दो, दो बजकर बीस मिनट पर ट्रेन पटना के लिए चली और रात आठ बजकर दस मिनट पर पहुंची। ट्रेन यहां भी निर्धारित समय से पंद्रह मिनट पहले आई हालांकि वंदे भारत के ट्रायल के दौरान भाजपा सांसद जैन सिन्हा के ट्रेन पर सवार होने से विवाद खड़ा हो गया है ट्रेन जब कोडरमा स्टेशन पहुंची तो वहां मौजूद हजारीबाग के सांसद जैन सिन्हा ट्रेन में चढ़ गए उन्होंने बड़काकाना स्टेशन तक सफ़र किया जबकि रेलवे का निर्देश था कि ट्रायल के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को सफर करने की अनुमति नहीं है रेलवे के अनुसार धनबाद के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने सांसद सिन्हा को वंदे भारत में सफर करने से मना किया था बावजूद बिना रेलवे को सूचना दिए वे कोडरमा स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ गए इस मामले में भाजपा सांसद सिन्हा ने कहा कि वे रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद ही सवार हुए थे उनके सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र जैन ने कहा कि सांसद ने डीआरएम और जीएम से सफर के लिए आदेश ले लिया था आपको बता दें कि हज़ारीबाग में कुछ लोग ट्रेन में चढ़े और साथ ही गेट बंद होने से रांची में उतरे हजारीबाग में वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए कुछ लोग झंडा लेकर चढ़ गए इसी बीच ट्रेन का गेट लॉक हो गया ट्रेन जब रांची पहुंची तब गेट खुला और वे उतरे वहीं वंदे भारत के ट्रायल को लेकर रेलवे की ओर से सतर्कता बरती गई थी इसके बावजूद चार जगहों पर ट्रैक पर खड़े मवेशी से टक्कर हो गई इनमें कुड़हागड़ा से कठौतिया के बीच सांकी से मिसरा के बीच व वापसी के दौरान हजारीबाग होम सिग्नल के पास और पिपरा डी स्टेशन के पास ट्रैक पर घटना हुई सूचना के अनुसार मवेशियों के टक्कर से ट्रेन को कोई क्षति नहीं पहुंची है एक बार फिर से आपको बता दें पटना रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा ट्रेन 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली ट्रेन पटना जंक्शन से सोमवार सुबह छः बजकर पचपन मिनट पर रवाना हुई और निर्धारित समय से 27 मिनट पहले दोपहर बारह बजकर तैंतीस मिनट पर रांची जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंची सफ़र पाँच घंटे अड़तीस मिनट में तय हुआ ट्रेन को दोपहर एक बजे पहुंचना था दोपहर दो, दो बजकर बीस मिनट पर ट्रेन पटना के लिए चली और रात आठ बजकर दस मिनट पर पहुंची। ट्रेन यहां भी निर्धारित समय से पंद्रह मिनट पहले आई